विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के शासन सचिव वी सरवण कुमार ने कहा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने यह बात जयपुर के शास्त्री नगर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर कही। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा थीम पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इसरो से प्रशिक्षित पारस शर्मा और उनकी 15 सदस्यीय टीम द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपनिदेशक एवं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के कार्यालय अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया कि 350 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रॉकेट और सेलेस्टियल ग्लोब के मॉडल्स बनाने की गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी क्रियात्मकता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रॉकेट्स को आकाश में छोड़ा गया, जिससे प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना दिया गया। समारोह के अंत में विभाग की परियोजना निदेशक डॉक्टर साधना माथुर और मुख्य लेखाधिकारी प्रियंका यादव ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया।